बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैर खैरियत से। अल्लाह पाक सबको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ दे। जो बहन भाई बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा दे और सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। जो परेशान है अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करे। तो इसी दुआ के साथ करती हूँ जी आज की वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो की तरफ और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो मेरी कोई जुआ कि आज जुमातुल मुबारक की भी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, वो खेल रहे हैं, तो अभी बच्चों के लिए कुछ बनाना है, साथ साथ अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करती हूँ। क्योंकि तकरीबन स्कूल से आए हैं सुबह टाइम ना, रात को बनाए थे चावल, वही थोड़े बहुत खाए हैं, तो अभी कहते हैं कि भूख लगी है, मामा जी हमें कोई चीज़ बना के दो। तो अभी उनको कुछ बना के देती हूँ, साथ साथ अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करती हूँ। जी ये बच्चे मेरे खेल रहे हैं, देखो जी इनके काम चेक करवाती हूँ। अभी मैंने सब्ज़ी ली आई थे, आया था सब्ज़ी वाला भाई, तो लिए बैंगन और सब्ज़ी मिर्चे आलू प्याज सारा चीज़ें मैंने बाहर निकाल के रख ली हैं। साथ में दूध भी गर्म कर रही हूँ क्योंकि बच्चे दूध भी अगर थोड़े बहुत पीना हो तो पी लेंगे। तो अभी बच्चे मेरे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं ये भी बहन भाइयों के साथ। हाँ जी क्या खेल रहे हो जी, इनके बंटे चेक करवाऊँ। ये इतने बंटे कितने कम हैं, ये डेली की कोई चीज़ नहीं लेके खानी, ये बंटे हैं इतने ज़्यादा और भी अभी कहीं ना कहीं पड़े होंगे। तो समीर बेटे ने एक ना बैग स्कूल वाला भर के रखा हुआ, वो देखो इतने बड़े बड़े बंटे हैं ये बच्चों की ना। समीर के पेपर हो चुके हैं, तो सुबह आ जाना 30 तारीख है, सुबह होगी 30। तो खेलने के अलावा ना कोई काम नहीं है, ट्यूशन पे जाते हैं माशाल्लाह जी, कुरान पाक भी पढ़ते हैं। वैसे तो कुछ बच्चों के लिए रेस्ट भी होनी चाहिए, स्कूल से आए हैं अमेमा और कबीर। तो बाकी ना ये जूता उल्टा हो गया है, इसे सीधा करती हूँ। तो अभी क्या खेल रहे हो मुझे भी बताओ, मैंने भी खेलना है। ये ना गेट के साथ इन्होंने क्या क्या चीज़ें लगाई हैं, ये मेरे लिए ना सारा खलारा दोबारा खिला रहे हैं ना। ये पर्दे ना खेचो, ऊपर से नीचे आ जाएगी हर चीज। ये इस ऊपर जो लगा हुआ है ना वो वाला है, वो पैप नीचे आ जाएगा, वो कील बाहर निकल गया है। हाँ जी तो आज मेरी एक प्यारी सी सिस्टर ने कहा था कि आपके कबूतरों का क्या हाल है, सिस्टर जी वो भी आपको दिखाएंगे। तो क्योंकि पहले सर्दी होती थी ऊपर बैठते थे जाके, अब गर्मी आ गई, धूप देखो सर्दियों में आती ही नहीं है नीचे, तो अब कितनी कितनी धूप आ गई, धूप में बैठने को दिल भी नहीं करता। तो मशीन रखी हुई थी मैंने, ये कपड़े सिलाई कर रही थी अपनी, वो शलवारें सिलाई कर रही हैं दोनों सूटों की, लेकिन कमीज़ें दोनों की रहती हैं। तो मैंने कहा अभी बच्चे आए हैं, मामा जी कुछ हमें बना के दो, वो बना दूँ खाना शाना उनको, तो फिर सिलाई करूँगी। अभी बैठ के खेल रहे हैं, तो इनको बाहर मैं ज़्यादा नहीं जाने देती कि इधर बैठ के ना खेलो। तो अभी मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी, आग देती हूँ जल रही है या नहीं दूध के नीचे, मेरा ख्याल में नहीं जल रही, पहले आग जला लूँ तो फिर सब्ज़ी बनाना शुरू करती हूँ। लारा मन रहा है मुझे, दूध गर्म हो गया है, सब्ज़ी भी मैंने बना ली है सब्ज़ी। तो अभी लहसुन प्याज भी, लहसुन नहीं डाला लेकिन सब्ज़ी मिर्ची और प्याज हैं, ये छिलके कूड़े वाली बाल्टी में फेंकती हूँ। तो फिर आसमान पे जी आज धूप निकली हुई है, बादल छाए गिरा आ गए हैं, मौसम काफ़ी साफ है आज। दूध उबला आ चुका है, तो अभी सालन बनाना स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बाल्टी से ना घी ख़त्म हो चुका है, तो ये दो पैकेट शमा शबाज के पड़े हुए थे, अभी शमा के शमा बनास्पति, तो अभी ये डालती हूँ बाल्टी में, बाल्टी से घी बिल्कुल ख़त्म है, बाल्टी में घी डालती हूँ, कैमरा मेरे हाथ में बंद करती हूँ, तो फिर सालन बनाना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि अमेमा बेटी मेरी बाहर ना लगी हुई है आग जलाने के लिए, ये देखो दोनों बहन भाइयों के काम, इनको आग जलाने की, आग लग जाएगी कपड़े जल जाएंगे या हाथ पैर जल जाएंगे, क्या कर रहे हो कबीर, छोड़ दो इसे। मैं आप ही खुद कर लाँगी, तुम रहन दो। मन नहीं रही, बाल्टी टिके पा लिया हूँ, मैं घी पा लिया, तो हूँ लैके चलते हैं अभी बाहर सारिया चीज़ा,
रोटी क्योंकि मैं हर चीज़ कढ़ के बाहर रख दी है क्योंकि मैमा बेटी फिर मैंने बैठी ना पकड़ा दें सारिया छावा तो हूँ डब्बे छब्बे भी सारे जड़े भी बहर कर लाँ क्योंकि बेंगन का सालन ज़्यादा समीर बेटे को पसंद है तो दूसरों भी पसंद है लेकिन समीर ज़्यादा पसंद आ गया अज तो हम दूसरिया चीज़ा बहर लै गई हैं तो आ लैके चल दी मन राम जी मसाला साडा तैयार हो गया तो हम बेच पाने आलू बैंगन मैं धो के इधर रखे हुए हैं सीढ़ियां दे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी हम आलू बैंगन असं मिक्स करते हैं तो अच्छी तरह आलू बैंगन की बुनाई करते हैं रहमान रहीम जी आलू बैंगन का सालन हमारा तैयार हो चुका है तो अभी बनाती हूँ रोटियां तो बच्चों को देती हूँ क्योंकि शाम का फिर टेंशन ख़त्म होगी सालन शाम को क्या बनाना है टाइम के साथ ही बन गया है तो अभी बनानी है मेहमा कबीर के लिए रोटियां दो रोटियां बनानी है वो बना के इनको देती हूँ सालन तैयार हो गया है मेरा अभी नीचे उतार के रखती हूँ तवा ऊपर रख लेती हूँ तुम की करते बैठे हो मेरी बेटी क्या कर रही है हैं नकल नहीं करनी ये टीचर बनी हुई है छुट्टी नहीं करनी चुप करके बैठ के सबक कर लो ये टीचर कह रही है हाँ ये टीचर तो बड़ी सख्त है फिर हाँ जी बस सारे बच्चे ने पढ़ी जाना टीचर ही बड़ी सख्त है रहीम जी बच्चे थे छत पे तो अभी कबूतर के ना कुछ पार बड़े हो गए हैं जे उड़ जाते कहते नहीं देख इन्ना स्पेस कि किस तरह का कर दिता तुम आओ कबूतरी इधर लै के इधर करो ना मेरे सामने इन्हों नहीं फड़ो ना ये चलते सोने लगते माशाल्लाह डरदा नहीं हूं अपने कंधे ते बिठाते इधरली साइड ते बिठाना इधर कबीरा दूसरे तू पकड़ कबूतरी जी बादल बने हुए हैं फिर बादल आ रहे हैं इधर से तो काफी ज्यादा आ गया बादल झाड़ भी बना हुआ धूप नहीं है बिल्कुल ही
तो अभी बच्चे थे छात्रवृत्ति इनको लेने के लिए आई थी। एलोवेरा बारिश के साथ काफ़ी पहले से बेहतर हो चुका है। और कबीर ये क्या करे, ओ जूता उठाओ उधर से। माशाल्लाह जी पुदीना लगाया था, कुछ ठीक हो गया है जी। माशाल्लाह जी ये है पुदीना जी। आगे चलता ही नहीं था तो काफ़ी मसला बन जाता था ना, जब मैदे का मसला वगैरह पड़ना बनता था तो इसलिए। हाँ जी जी की कर दे पाए हैं ना। चलो